हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बडालिया एंड वेलकम टू एसडी एकेडमी क्लासेस। मेरे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो रिंग्स। जैसे कि हेलो एल्केन की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा लेंदी थी, बहुत ही ज्यादा हमारे पास मेथड्स थे, हेलो रिंग्स में हमारे पास ज्यादा मेथड्स नहीं होते हैं। चलो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो रिंग्स की, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। या तो जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, आप उनका सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, या फिर दूसरा मेथड हमारा हेलो रिंग का बनाने का क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब पहले मेथड को डिस्कस करते हैं, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा। अब बेंजीन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। हम इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे और बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के बाद यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, C6H5, और E जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, जब भी ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है, आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड जो है उसका काम क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। जैसे कि सपोज मैंने यहां पर लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में मैंने हेलोजन डाला। अच्छा, अब आपको यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है, कि अगर मान लीजिए मैं कोई अल्केन ले रही हूं और अल्केन का मैं क्लोरीनेशन कर रही हूं, अगर मैं किसी अल्केन का हेलोजिनेशन करती हूं तो वो होता है लाइट के प्रेजेंस में, बट अगर मुझे किसी डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है तो वो होता है डार्क। पहली चीज। दूसरी चीज, जब मुझे इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराना है, तो यहां पर मैं कोई लुईस एसिड, लुईस एसिड क्या है हमारे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, FeCl3, FeBr3 एक्सेट्रा। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है, आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कोई हमारा लुईस एसिड आएगा, लुईस एसिड हम किसको कहते हैं, जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो यहां पर एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एल्यूमिनियम की ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8, बट यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 6। तो इसके पास अभी भी टेंडेंसी है कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोनों में से किसी भी एक क्लोरीन का एटम अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और यहां से ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये बना लेगा AlCl4-, और यहां पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेके चला गया, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, क्लोरीन पे प्लस चार्ज। अगर क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट हो गया तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल देखेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को दिखेगा कि हाँ यहाँ पर कोई स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लुईस एसिड नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन हमारी कैरिड आउट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड डालते हैं, लुईस एसिड का काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि लुईस एसिड जो है उसकी प्रेजेंस क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा कि हमने जब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, तो बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, एक क्लोरीन जुड़ गया, एक क्लोरीन और बचता है, ठीक है, जो आपका AlCl4- बन गया था। अब यहां से जो H निकलेगा, जहां पे क्लोरीन जाके जुड़ रहा है वहां से एक H निकलेगा, वो उस H के साथ एक क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl, और ये वापस कैटलिस्ट है, तो ये वापस कैसे रिफॉर्म हो जाएगा, AlCl3 की फॉर्म, ठीक है। कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है,
ठीक है, बट खुद के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आने देता, जैसा स्टार्टिंग में रहेगा वैसा ही एंड ऑफ द रिएक्शन वो वापस बन जाता है। ठीक है, अगर हम क्लोरोबेंजीन, अब हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, अब मान लीजिए क्लोरोबेंजीन में मैं क्लोरीन डाल रही हूँ एक्सेस में, तो एक्सेस में डालने से क्या होगा, अब देखिए आपको पता है ठीक है कि क्लोरोबेंजीन जो है वो क्या शो करता है, रेजोनेंस, तो ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस, और जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो आपको क्या दिख रहा है कि पूरे रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पर क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विल बी इलेक्ट्रॉन रिच। ये आ गई ऑर्थो पोजीशन, अब ये बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट हो जाएंगे, तो अब क्या बनाएगा ये, ठीक है, अब ये यहाँ आएंगे मूव करेंगे डबल बॉन्ड बनाने, और ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और ये वापस यहाँ आएंगे और ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन गो थ्रू होता है रेजोनेंस प्रोसेस के, और ये सारे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो काम की बात हमारे यहाँ पास यहाँ पर क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और फिर से वंस अगेन ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जब जाकर जुड़ेगा तो वो कहाँ डोमिनेट करेगा, ऑर्थो को और पैरा। तो जब हम क्लोरीन एक्सेस में डालेंगे तो नेक्स्ट जो क्लोरीन आपका, जो लुईस एसिड जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, वो कहाँ पे जाके आपके नेक्स्ट क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। ठीक है, ये आपका पैरा प्रोडक्ट और ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, इस मेथड से जो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं इनको हम बहुत ही इजीली सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं आपको क्लोरोबेंजीन की बजाय बोलूं कि आप लोग क्या करोगे, टॉलीन, टॉलीन होता है ना बेंजीन के ऊपर CH3, टॉलीन का अगर मैं आपको बोलूं कि टॉलीन में क्लोरिनेशन करो, तो टॉलीन के केस में भी CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इट विल मेक द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो टॉलीन के केस में भी जब आप क्लोरिनेशन करोगे, ठीक है, सपोज इसका मैं अगर क्लोरिनेशन कर रही हूँ, तो ये भी क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, तो यानी कि जो आपका क्लोरीन है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पे, और अगले प्रोडक्ट में कहाँ पे जाके जुड़ेगा, पैरा। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखिए डाइजोनियम सॉल्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं एनिलीन। एनिलीन किसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2। इसे हम हीट करते हैं NaNO2 और HCl के साथ। NaNO2 क्या होता है, हमारे पास सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, NaNO3 क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, और NaNO2 क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट। तो जब हम सोडियम नाइट्राइट को HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, NaCl, जो हमारे काम का नहीं है, और क्या बनाता है, HNO2, जो हमारे काम का है। HNO2 क्या होता है, हमारा नाइट्रस एसिड, ठीक है, तो नाइट्रस एसिड जो है वो इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने में अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की, वो होती है 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे काफी कम रहता है। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर N2+ और एक्स, यानी यहाँ पे अगर हमने HCl लिया तो क्या बनाएगा, CL। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट। ये हमारा क्या बन गया है, डाइजोनियम सोल्ट। डाई एजो वर्ड जो आता है वो कब आता है, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या बना के बैठा हो, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बेंजीन रिंग पर दो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, इधर नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, तो इस पे कैसा साइन आएगा, प्लस। ठीक है, और क्लोरीन हमारा जुड़ा हुआ है CL-,
ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ, क्यूप्रस हैलाइड हमारा क्या होता है Cu2H2, तो ये क्या करता है यहाँ पे हेलोजन जोड़ देता है, क्या करेगा हेलोजन जोड़ देगा और क्या लिबरेट कर देगा N2 गैस, क्या बना हमारा ये हेलोअरीन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, कौन सी सैंडमेयर्स, कौन सी रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन, पेपर में आती है ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को मैं क्या करूं Cu2H2 की जगह रिएक्शन करा दो किससे Ki से, ठीक है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका I, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन गया आपका हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ गया, तो आपका क्या बन गया हेलोअरीन यानी कि आयोडोअरीन बन गया, आयोडो बेंजीन जिसको हम कहते हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पर Ki को हटा रही हूं मैं अभी के लिए फिलहाल, अगर हम इस रिएक्शन में क्यूप्रस हैलाइड को रिप्लेस कर दें, इसको हटा दिया हमने और हमने क्या किया इसकी जगह हमने यूज किया कॉपर पाउडर और HCl, ठीक है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और इसी को हम कहते हैं दूसरी नेम रिएक्शन, ये हमारी बन गई कौन सी बन गई गटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है तो ये दोनों रिएक्शन जो है ये बिल्कुल सेम है। ये जो स्टेप है आपका कि एनिलीन के अंदर हमने नाइट्रस एसिड डाला ठीक है और नाइट्रस एसिड ने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, ये स्टेप दोनों रिएक्शन में कॉमन है, बस जब हम क्यूप्रस हैलाइड डालते हैं तो वो सैंडमेयर बन जाती है, जब हम क्यूप्रस हैलाइड की जगह कॉपर पाउडर और HCl डालते हैं तो हमारी क्या बन जाती है गटरमैन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगर हम क्या करें एनिलीन ले ठीक है और सेम ही वही प्रोसेस चल रहा है आपका, हमने क्या किया इसमें क्या डाला सोडियम नाइट्राइड डाला HCl डाला, रिएक्शन कंडीशन रखी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और हमारा क्या बन गया प्यारा सा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्यों रिएक्टिव होते हैं, ये मैं आपको ऑर्गेनिक का जब अमीन चैप्टर कराऊंगी वहां पे आपको बताऊंगी ठीक है। तो अब डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट में हम डाल रहे हैं एसिड HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड हम लोगों ने डाल दिया। अब जब हमने ये डाला है तो ये क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाएगा N2+BF4-, एसिड है H+ देगा HX बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएगा N2+BF4-। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, हीट जब हमने इसका किया तो ये हमें क्या बना के देगा N2 गैस जो है वो बाहर निकल गई ठीक है, यहां से BF3 भी बाहर निकल गया, क्या बचा 4 में से 3 फ्लोरीन तो बाहर भेज दिए, अब क्या बचा 1 फ्लोरीन, तो वो फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये क्या होती है फ्लोरोबेंजीन ठीक है। इससे पिछले स्टेप में जब हम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां हमने फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया था, क्यों, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन जब हम बनाते हैं तो रिएक्शन इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल होती है ठीक है, तो उसको बनाना जो है वो आसान काम नहीं है, तो उसको हम अलग सेपरेट मेथड से और कंट्रोल्ड मैनर में बनाते हैं। तो यहां तक हमने हेलोअल्केन और हेलोअरीन के प्रिपरेशन को खत्म कर लिया है, मेरे अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।